एचएल टीवी न्यूज। हरियाणा रोडवेज के कर्मचारियों को जहां अब तक अपने रुखे व्यवहार के लिए जाना जाता रहा है, वहीं रोडवेज के कर्मचारियों ने एक सवारी के बस में रह गए नोटों से भरे बैग को वापस लौटाकर न केवल ईमानदारी की मिसाल कायम की है बल्कि रोडवेज का नाम भी रोशन किया है। दरअसल पूरा मामला ये है कि पिपली कुरुक्षेत्र से फरीदाबाद डिपो की बस में दिल्ली के लिए सवार हुए सतीश कुमार पानीपत में बस रुकने पर कहीं चले गए और इसी दौरान बस चली गई, लेकिन बस में उनका बैग छूट गया जिसमें 2,95,000 रुपए की नकदी थी। सतीश के होश उठ गए और उसने दिल्ली कश्मीरी गेट जाकर टिकट दिखाकर बस के बारे में पता किया तो उसे बल्लभगढ़ डिपो का नंबर मिला। संपर्क करने पर उसे पता चला कि उसके पैसे सुरक्षित हैं और वह उनके वहां आकर ले जा सकते हैं। बल्लभगढ़ पहुंचकर सतीश ने रोडवेज अधिकारियों व परिचालक को अपनी टिकट व आईडी प्रूफ दिखाया और उसे पैसे वापस मिल गए। वहीं अपनी रकम वापस पाकर सतीश बहुत खुश है और रोडवेज कर्मचारियों की ईमानदारी की मिसाल दे रहे हैं। नया जी, एक सवारी है रोडवेज में जो पैसे गए हुए हैं, कितने पैसे थे और क्या मामला था? जो बस स्टैंड में आ रहा था, बस में कि दिल्ली पेशाब करने बाद बाथरूम के लिए उतर गया था, बैग उसी में रह गया और वो लेट हो गया तो गाड़ी आ गई। बल्लभगढ़ ड्राइवर और कंडक्टर ने वो अपना सारा थैला यहाँ जमा करा दिया और उसमें 3 लाख रुपए मिले जो इनके हवाले कर दिए। सर जी, कहाँ से बैठे थे, कोई कुछ पता लग पाया कि पिपली से कहाँ के लिए बैठे थे? पिपली से दिल्ली के लिए बैठे थे। दिल्ली के लिए बैठे थे, दिल्ली बैग भूल गए हैं, मैं उसमें रखा हुआ था। क्या कहना चाहेंगे कि कंडक्टर और ड्राइवर जो है 3 लाख रुपए उनको पता लगा है जिस तरीके से? उनकी तो बहुत बड़ी ईमानदारी है, इसलिए ईमानदारी का सबूत है। भाई रोडवेज में भी अच्छे अच्छे कर्मचारी हैं। क्या संदेश देना चाहेंगे हरियाणा रोडवेज को और भी कंडक्टर परिचालक जो भी हैं, क्या कहना चाहेंगे उनके लिए? ये तो अच्छा शुभ संदेश की बात है कि हमारे इतने ईमानदार कर्मचारी हैं, किसी भी चीज़ का कितना भी हो वो मजा के हैंडओवर कर दिया। क्या नाम है जी? रामपाल सिंह। हेलो रामपाल जी, किस चीज़ में आप काम करते हैं, क्या? हरियाणा रोडवेज में परिचालक के पद पर काम करते हैं। 3 लाख रुपए 2,95,000 रुपए का कुछ कोई मामला है, क्या कहना चाहेंगे? पैसे भूल के गया है कोई, सवारी मिले थे आपको, क्या कहना चाहेंगे? सवारियां उधर की बस के अंदर बैग रखा मिला मेरे को, मैंने बस उसमें चेक कराया, उसमें पैसे मिले और उसमें अपने अधिकारियों से मिलकर मैं उसको मालिक को सौंपना चाहता हूँ, गिनवा के पैसे उसकी आरडी लेके। अब कितने पैसे थे? 2,95,000। क्या नाम है? सतीश कुमार। पिपली से बैठा था जी और फिर पानीपत ये वहाँ पे क्या नाम है बस स्टैंड पे रुक गई चाय चुए पीने के लिए, फिर मैं टॉयलेट में चला गया, बस चली गई। कैसे मतलब जो है किस चीज़ के लिए लेके आए थे और कहाँ जाना था आपको? मेरे को दिल्ली आना था जी। कितने पैसे थे? 2,95,000 रुपये थे। तो क्या पैसे मिल गए? हाँ जी पैसे मिल गए। क्या कहना चाहेंगे बस स्टैंड रोडवेज को, जैसे आपके पास सूचना मिली है कैसे आप यहाँ पहुँचे हो? मैं जी पहले कश्मीरी गेट गया जी ICBT, वहाँ पे मैंने टिकट दिखाई, वहाँ से इंक्वायरी करी, उन्होंने मेरे को नंबर लिख के दिया इनका बस वालों का और मैंने कनेक्टर जी से बात करी, कनेक्टर जी ने कहा कि यहाँ पे आ जाओ हम आपको पैसे दे देंगे। फरीदाबाद से हलचल टीवी के लिए विक्रम भारद्वाज की रिपोर्ट। आप देख रहे हैं हलचल टीवी न्यूज़।